हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कि परमानेंट प्लांट है। इनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये कुछ 30+ प्लांट्स हैं, बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। बड़ी आसानी से कटिंग से चल जाते हैं। अभी आप जनवरी के महीने में इन्हें लगा सकते हैं ताकि ये सारा साल है जो गार्डन में बना रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट जो मिलते रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। ये है स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया, भी इसे कहा जाता है। मदर इन लॉ या टंग प्लांट भी कहा जाता है। ऐसे बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। और अगर आप इसका एक ही प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे पफ्स इसमें निकल कर आ जाते हैं। तो इसे आप डिवाइड करके भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे घर वाले डिब्बे में ही इसे लगाया हुआ है। तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ड्रेसिना मार्जिनेटा। बहुत ही सुंदर ये भी प्लांट है। बहुत सारी इसकी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। मैंने इंडोर ही रखा हुआ है पानी में, क्योंकि मेरे को इसके लिए जो है गमला नहीं मिला अच्छे से, इसलिए मैंने इसे पानी की बोतल में रखा हुआ है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, चाहे आप इसे पानी में लगाएं, मिट्टी में लगाएं, तो बड़ी आसानी से ग्रो कर जाएगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत सुंदर इसकी लीव्स होती है और अलग अलग वेराइटीज़ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है ये है जेड प्लांट। एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसको आप लीव से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे इसकी जो कटिंग लगाई थी, क्योंकि मैंने इसकी पिंचिंग की थी कुछ दिनों पहले। आप देख सकते हैं इसमें पिंचिंग हो रही है, यहाँ से भी पिंचिंग की थी मैंने। तो इसकी पिंचिंग आप करते रहें जिससे ये बुशी बन जाए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये बुशी बन रहा है, और यहाँ से भी मैंने इसकी पिंचिंग की थी। तो फिर मैंने जो बचे थे इसकी पत्तियाँ और कटिंग, तो मैंने इसमें लगा दी थी। अब आप देख सकते हैं इसमें भी नई नई लीव्स आ चुकी हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है, रेत में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आप इसे रेत में लगाएं अगर आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं। ये सभी मैंने जो प्लांट बनाया है इसका, ये प्लांट ही मैंने जो है कटिंग से ही लगाया है। मैंने कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो विदाउट कटिंग लगाया हो। ये सभी प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांट लगा दिए थे। उसके बाद ये जैसे जैसे बड़ा हुआ मैंने इसमें पिंचिंग की, और अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें फैल रहा है और बहुत ही बुशी इसमें ये हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी पिंचिंग करते रहें और इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी भी मैंने पिछले महीने ही ग्रो किए थे, आप देख सकते हैं। तो अभी इसे भी अभी इस महीने लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है और बहुत अच्छे से ये फैलता है। इसकी जो लीव्स होती है बिल्कुल दो सिंगो वाली इसकी लीव्स होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो शायद इसी वजह से इसका नाम सिंगोनियम है। ये भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप इसका एक ही प्लांट लगाते हैं तो नए नए जो प्लांट्स निकल कर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से जो है डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत सारी वेराइटीज़ आपको इसकी मिल जाएंगी। तो आप कोई भी वैरायटी है बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप कटिंग से ग्रो करें या डिवाइड करके ग्रो करें अगर आपके पास ये प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है क्रोटोन। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा ये प्लांट जा रहा है, क्योंकि ये नीचे धरती में लगाया हुआ प्लांट है। बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स होती है। ये डस्टेड जो है क्रोटोन है, डस्टिंग क्रोटोन इसे कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी आप बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से बड़ी आसानी से ये प्लांट है जो ग्रो हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है प्लांट। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मोन्स्टेरा का प्लांट। ये भी बहुत अच्छा प्लांट जो होता है, इसको आप है जो गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसकी छोटी छोटी लीव्स होती है जब आप शुरू में इसे लगाते हैं, लेकिन बाद में इसका जो है डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है इसकी लीव्स पर जैसे जैसे ये बड़ा होता है। ये भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही ये प्लांट चलता है। तो इसको भी आप जब अगर लगाएं तो इसको जो है सहारा ज़रूर दे दें। बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स होती है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से बड़ी आसानी से एक ग्रो हो जाता है। इसमें भी ये जो ऑलरेडी एरियल रूट्स होती हैं, तो इसको आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रबर प्लांट। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है जो होता है, इसको भी आप जो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है और बहुत ही बड़ा भी ये प्लांट जो हो जाता है अगर आप इसको जो धरती पे लगाते हैं। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है,
बहुत ही अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, घर में जरूर इसे लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बोट लिली का प्लांट, रियो प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग इंटेंस प्लांट है। इस प्लांट को भी आप जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप एक ही प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स में से जो है बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पफ्स में से जो निकले हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत सारे प्लांट्स में बन जाते हैं। बहुत जल्दी ये गमले को है कवर कर लेता है। तो उस प्लांट को भी आप है जो बास्केट में ग्रो कर सकते हैं, गमले में ग्रो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट, बिल्कुल पर्पल कलर इसकी जो है होती है इसकी पत्तियाँ, और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। छोटी छोटी कटिंग से भी बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है और नीचे से भी बहुत सारे बॉक्सेस में निकलते रहते हैं। तो इसको आप डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। इसको आप बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो भी गर्मियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल अलग ही इसका कलर होता है, इसका पर्पल कलर। तो ये ग्रीनरी में बहुत ही अच्छी लुक देता है ये प्लांट। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। बहुत ही सुंदर इसकी जो है लीव्स होती है, ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इसकी लीव्स है। इसको भी मैंने छोटे से कप में लगाया हुआ है। तो इसको भी आप छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है ये भी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सोंग ऑफ इंडिया का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, ग्रीन लीव्स वाली वैरायटी भी होती है। इसको भी आप बड़ी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स होती है, ये आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और एक हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से भी ग्रो हो जाता है अगर आप इसको जो रेत में लगाते हैं इसकी कटिंग को, और बहुत ही आसानी से ये चलता है। बहुत सुंदर इसकी लीव्स होती हैं। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है वॉन्डरिंग जू का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है, इसकी थोड़ी चमकीली लीव्स होती हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ये भी ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत ही लॉन्ग मेंटेनेंस प्लांट है, बास्केट में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इसकी जो है लीव्स होती हैं, बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करें, इसको बास्केट में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से भी फैलने वाला प्लांट है और परमानेंट और एक हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरती भी प्लांट लगता है। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डेविल्स बैकबोन का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर इसकी वेरीगेटेड वेराइटी होती है और एक ग्रीन लीव्स वाली वेराइटी होती है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो लगता है, और इसका रंग है जो मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है। ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। सर्दियों में इसका जो है कलर, जो पत्तियों का कलर है वो थोड़ा पिंक पिंक सा होना शुरू हो जाता है, और गर्मियों में जो है ये वाइट और ग्रीन दिखता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बहुत ही सुंदर ये भी प्लांट है जो लगता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये भी एक हार्डी प्लांट है, इसको भी आप ज़रूर ऐड करें। कटिंग से बड़ी आसानी से ये भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है क्लांचो का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ये एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसे आप पानी है जो कम दें। अगर इसकी मिट्टी जब सूख जाए तभी आप इसे जो है पानी दें। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, अलग अलग कलर्स में इसके जो फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी इसमें फ्लावरिंग तो नहीं आई है, लेकिन इसमें जो है बर्ड्स निकलना शुरू हो चुके हैं इसमें फ्लावरिंग के। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी इसकी जो है कटिंग ग्रो हो जाती है। इसकी आप इतनी इतनी कटिंग ले लें, सिर्फ इतनी इतनी कटिंग से आप इसे जो है लगा सकते हैं। इवन ये लीफ से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसे आप है जो कटिंग से ही ग्रो करें। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो लगता है, इसको भी आप बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता इस प्लांट का, छोटे छोटे मग्स में कप्स में इसको बड़ी आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है, बहुत ही अच्छा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे भी आप जरूर ग्रो करें। ये अल्टरनेथ्रा की जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बिल्कुल पर्पल कलर की इसकी जो है लीव्स होती हैं। इसको आप कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल जो इतनी इतनी टिप आप ले सकते हैं, इतनी इतनी टिप लें और इसको बास्केट में ग्रो कर दें, तो बहुत अच्छे से ये जो है ग्रो हो जाएगा। कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा केयर करने की इसकी जरूरत नहीं होती है, और बहुत अच्छे से ये फैलता है। बहुत सारी वैरायटीज इसकी आती हैं, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये प्लांट है।
नेक्स्ट जो प्लांट है यह फाइकस का प्लांट है, भी बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत इसकी भी लीव्स होती है, बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। इसको भी है जो आप कटिंग से लगा सकते हैं, मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है। आप देख सकते हैं कितनी सारी जो है रूट्स में बन चुकी है। तो इस प्लांट को भी आप जो कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। इंडोर में बहुत आसानी से ये प्लांट चलता है, तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। अभी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये सालों तक है जो गार्डन में बना रहता है और बहुत ही सुंदर भी लगता है ये प्लांट। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसको भी आप जो छोटे छोटे रनर से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका रनर्स जो है बनना शुरू हो चुके हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर जो बनते हैं वाइट कलर के, उसके बाद इसमें जो रनर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसको भी आप जो बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं छोटे छोटे कप्स में, और रनर्स से बहुत अच्छे से चलता है। ये भी प्लांट लो मेंटेनेंस प्लांट है। कभी भी इस प्लांट को आप जो ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप पानी में ग्रो करें, मिट्टी में ग्रो करें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एक्लाइफा का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी भी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई हुई है, इसमें ही वांडरिंग जू के प्लांट के पास ही मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। इसमें इसकी भी बहुत खूबसूरत लीव्स होती हैं और बहुत ही जल्दी ये भी प्लांट जो ग्रो करते हैं। आप इसको छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसके जो फ्लावर्स भी बनते रहते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके के इसके जो है फ्लावर्स होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसको भी आप जो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है और एक कलरफुल प्लांट है, तो इसको भी आप जो जरूर ग्रो करें, बहुत ही सुंदर लगेगा ये भी प्लांट आपके गार्डन में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिलोसिया का प्लांट। ये भी बहुत अच्छा एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो छोटे छोटे सीड्स निकलते रहते हैं ब्लैक कलर के, इसमें सीड्स जो होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके के इसमें जो है सीड्स बनते हैं। इसको जो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, सिलोसिया का प्लांट इसे कहते हैं। बहुत सारी वैरायटी इसकी भी आती हैं, अलग अलग कलर्स में इसकी जो आपकी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। गर्मियों में भी ये प्लांट जो लगता है और अलग अलग रंगों में ये प्लांट है जो होता है, इसके फ्लावर्स होते हैं। लेकिन जो सर्दियों में मेनली इसका जो रेड कलर के फ्लावर ज़्यादा पाए जाते हैं, इस तरीके के फ्लावर ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है जो होते हैं और बहुत ही लंबाई इनकी है जो होती है। अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं धरती पर भी बहुत अच्छे से चलते हैं, और अगर आप इन्हें गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी ये ग्रो हो जाते हैं। इनको आप है जो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये जो है बीज नहीं मिलते हैं आपको, तो आप इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जो कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी बड़ी आसानी से जो ये प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं प्लांट। और थोड़ी इनकी मोटी परत होती है फ्लावर की, तो इन प्लांट को भी आप जो ग्रो कर सकते हो, चाहे आप इसे बीज से ग्रो कर ले या आप इन्हें जो है कटिंग से ग्रो कर ले। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बिगोनिया का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो लगता है, रेक्स बिगोनिया का प्लांट। बहुत सुंदर इसकी जो है लीव्स होती है, आप देख सकते हैं अलग अलग कलर इसकी जो है लीव्स में आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर ये भी जो है लीव्स वाला प्लांट लगता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस प्लांट को भी आप जो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो लगता है। इसको आप बास्केट में ग्रो करें छोटी छोटी कटिंग से, तो बड़ी आसानी से ये भी ग्रो हो जाएगा। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट ये है शफलेरा का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आपको मिल जाएगी, तो वेरीगेटेड प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। इस पर कुछ व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर का जो है कलर होता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से बड़ी आसानी से भी ग्रो होने वाला प्लांट है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बड़ी आसानी से ये भी ग्रो हो जाता है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो करें। बहुत ही सुंदर इसकी भी है जो लीव्स होती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बास्केट प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत अच्छे से फैलता है ये। इसको हम बास्केट प्लांट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। इस प्लांट को भी आप जो कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके आप रूट्स देख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है, परमानेंट प्लांट है। इसको भी आप जो गार्डन में जरूर ऐड करें। कटिंग से लगने वाला ये भी प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आसानी से प्लांट चल जाता है। इसके आप छोटी छोटी कटिंग ले लें और बास्केट में ये प्लांट लगाएं ताकि अच्छे से फैल जाए। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ऐड करें। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एग्लोनिमा। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी इसकी नई जो है पफ्स तो नहीं निकले हैं, लेकिन अगर इसको आप करना चाहें, अगर आपके पास काफ़ी सारे प्लांट हैं तो इसमें भी नए नए प्लांट्स जो निकलते रहते हैं। ये भी बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको मिल जाएगा। बहुत सुंदर इसकी लीव्स होती हैं, आप देख सकते हैं।
तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप इसे कटिंग से ग्रो कर लें या फिर आप इसे डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बेबी सन रोज का प्लांट। ये भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसमें गर्मियों में भी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इसको भी आप जो छोटे गमले में लगा सकते हैं। ये भी मैंने जो है पहले मैंने इसमें जेड लगाया हुआ था आधे गमले में और आधे में मैंने ये लगा दिया था, तो भी बहुत अच्छा इसमें बहुत अच्छे से चल रहा है ये प्लांट। ये आप देख सकते हैं नए नए इसमें जो ब्रांचेस बनती रहती है, तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे पॉट में से ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से ये भी चल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पेटूनिया। ये भी बहुत अच्छा एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इवन इसको आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और किसी भी टाइम आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगा दें आप इसकी या बीज से इसको ग्रो कर दें। इसमें भी वैसे तो नए नए प्लांट्स के साथ ही निकलते रहते हैं, वैसे भी आप ग्रो कर सकते हैं अगर इसके बीज गिर जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको अलग से लगाना चाहते हैं तो बीज से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसे भी आप सर्दियों में ज़रूर लगाएं। इसके तीन कलर आपको मिल जाएंगे, एक ये पिंक कलर आता है, वाइट कलर में इसके जो है फ्लावर्स आते हैं, और एक वॉयलेट कलर में इसके फ्लावर जो आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक प्लांट है, सर्दियों में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पोल्का डॉट प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इसकी जो है लीव्स होती है, बिल्कुल डॉटेड जो है इसकी लीव्स पर होता है डॉट डॉट, किसी पे वाइट डॉट होते हैं, किसी पे रेड डॉट होते हैं। तो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से बहुत सारे प्लांट आप इसकी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप इसको बास्केट में ग्रो करें, बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है जो लगता है। ये भी आपके गार्डन में जो रंग भर देगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये भी इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डिफन बेके। ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है, इसका वाइट कलर बहुत ही पसंद किया जाता है लीव्स में। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है, इसमें भी ये जो एक साल बाद इसमें पफ्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको आप डिवाइड करके जो प्लांट लगा सकते हैं। वैसे ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, सालों तक आपके गार्डन में बना रहता है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है लीव्स होती हैं। इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, भी देखने में बहुत सुंदर प्लांट है जो लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है गुड़हल का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, अलग अलग कलर्स में इसके जो आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। इसको भी आप जो कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से बड़ी आसानी से लगने वाला प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, सर्दी गर्मी में इसमें जो फ्लावरिंग है जो आती रहती है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। चाहे आप इसको पानी में ग्रो करें या मिट्टी में ग्रो करें, दोनों में बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है तुलसी जी का प्लांट। तुलसी जी के पौधे को कौन नहीं जानता है, भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, शुभ पौधा माना जाता है। हमारे धार्मिक में बहुत महत्व दिया जाता है तुलसी जी के पौधे को, और वैसे भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं तुलसी जी के। तो इसको भी आप अपने घर में जरूर ग्रो करें, इसको कटिंग से आप बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग ले लें और उसको चाहे आप पानी में ग्रो करें या मिट्टी में ग्रो करें, दोनों में बड़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इस प्लांट को तो आप जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है संध्या मालती का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसको भी आप जो छोटी छोटी कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसकी भी जो है फ्लावरिंग होती है, शाम के टाइम इसमें जो है फ्लावरिंग होना शुरू होती है और पूरे दिन इसमें जो है फूल खिलते रहते हैं। तो भी बहुत अच्छा प्लांट है, कटिंग से लगने वाला और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं इसमें फ्लावरिंग। और इसको आप है जो बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आप इसे बास्केट में ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छे से फैल जाता है। चाहे आप इसकी जो है बेल बनाना अगर चाहते हैं तो आप इसको बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें भी बड़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। इसकी जो फ्लावरिंग तीन कलर में आपको मिल जाएगी, वाइट कलर में इसकी फ्लावरिंग होती है येलो में, और पिंक कलर में इसके जो फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भी बहुत अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है गुलाब का प्लांट। गुलाब को भी आगे जो कलम है आप इस टाइम लगा सकते हैं जनवरी के महीने में, इसमें भी ये बड़े आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसको आप रेत में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी कटिंग का भी आप बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई है और इसमें जो न्यू न्यू लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं, तो ये कटिंग चल चुकी है, मैंने रेत में लगाई थी। और इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। रोज़ को भी आप ज़रूर ग्रो करें, ये मैंने कटिंग लगाई हुई है, आप देख सकते हैं इसकी न्यू न्यू लीव्स आना अब शुरू हो चुके हैं, तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ग्रो करें कटिंग से।
नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, वास्तु के अनुसार ये प्लांट बहुत अच्छा माना जाता है। इसको भी आप छोटी छोटी कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है, इसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही रिपोर्ट किया है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको जो है पानी में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं छोटी छोटी कटिंग्स को, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एरियल रूट्स होते हैं तो बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ओके गाइस, तो ये थे कुछ ऐसे 30+ प्लांट्स जिनको आप कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। बहुत से प्लांट्स को आप जो बीज के साथ भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको इनके जो बीज मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे बीज से भी ग्रो कर लें, वरना कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सभी प्लांट्स जो मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं, जो जो भी मैंने प्लांट जो दिखाए हैं, तो बड़ी आसानी से इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए भी ये प्लांट है जो बहुत अच्छे हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ग्रो करें। अगर आप अपना गार्डन बनाना चाहते हैं तो ये 30+ प्लांट्स तो है जो आप ज़रूर ग्रो कर लें। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।